अभिनेता राहुल रॉय आज अपना 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। राहुल रॉय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से की थी। 1990 में रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब हुई। इस फिल्म की कामयाबी का आलम यह था कि राहुल रॉय और फिल्म की हीरोइन अनु अग्रवाल घर घर में मशहूर हो गए थे। पहली फिल्म को मिली बेजोड़ कामयाबी के बावजूद 8 महीने तक राहुल रॉय को काम नहीं मिला था। इसके बाद अचानक एक साथ 60 फिल्मों का ऑफर राहुल रॉय के पास आया, जिनमें से राहुल रॉय ने 47 फिल्में साइन कर ली और यही राहुल रॉय के करियर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इनमें से कुछ फिल्में तो रिलीज ही नहीं हुई और जो रिलीज हुई उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई। एक साथ इतनी फिल्में साइन करने के पीछे राहुल रॉय का तर्क था कि उन्हें डर था कि बाद में उन्हें काम न मिले तो क्या होगा, इसलिए एक साथ 40 से ज्यादा फिल्में साइन करते हुए राहुल ने अपना फ्यूचर सुरक्षित कर लिया था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आशिकी के बाद राहुल रॉय की एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। अभिनेता के बाद राहुल रॉय ने निर्देशन और फिल्म मेकिंग में भी हाथ आजमाया, पर यहां भी कामयाबी नहीं मिली। कुछ यही हाल आशिकी फिल्म की हीरोइन अनु अग्रवाल के साथ भी हुआ। उनकी भी बात की कोई भी फिल्म दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। फिल्मों के अलावा राहुल रॉय ने टेलीविजन का रुख किया। कुछ सीरियल्स में भी वो नजर आए और बिग बॉस के पहले सीजन के विनर भी राहुल रॉय बने, पर बिग बॉस के विनर बनने का ज्यादा फायदा राहुल रॉय को नहीं मिला। राहुल रॉय ने गुमराह, सपने साजन के और फिल्म जुनून में नेगेटिव रोल भी किया, लेकिन कामयाबी यहां भी नहीं मिली। वैसे बात अगर राहुल रॉय के फिल्मों में एंट्री की करें तो उसका किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। राहुल रॉय की माँ एक मैगजीन में लिखा करती थी। फिल्म निर्देशक महेश भट्ट को राहुल रॉय की माँ का एक आर्टिकल खूब पसंद आया। फिर क्या था, महेश भट्ट राहुल रॉय की माँ से मिलने चले गए और बातों ही बातों में राहुल की माँ ने बेटे की तस्वीर महेश भट्ट को दिखाई। फोटो को देखकर महेश भट्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सोच लिया कि इसे ही वो अपनी अगली फिल्म का हीरो बनाएंगे। उस वक्त राहुल रॉय मॉडलिंग में संघर्ष कर रहे थे। महेश भट्ट की मुलाकात फिर राहुल रॉय से हुई और इस तरह उन्हें उनकी पहली फिल्म आशिकी मिल गई। आशिकी की कामयाबी से राहुल रॉय रातों रात स्टार बन गए, लेकिन आशिकी का स्टारडम वो आगे रिलीज फिल्मों में बरकरार नहीं रख पाए। या यूं कहें कि अपनी पहली फिल्म से शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे राहुल रॉय बाद में अंधेरे में कहीं खो गए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।